हेलो, सो वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहां हम लोग घूम रहे हैं मनाली। फोटो खिंचाने के पैसे लगते हैं, तो ऑब्वियसली हमने नहीं किया, तो हम लोग ऐसे ही फोटो खिंचवा लेते हैं। तो जैसा कि आप पीछे देखें, तो जिन भी लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, कोई बात नहीं है, इस पार्ट में ज्यादा मजा है। फिर भी आपको देखना है तो मैं यहाँ लिंक कर देता हूँ, वो भी काफी अच्छी थी। इस पार्ट में ज्यादा मजा क्यों है, क्योंकि यहाँ हम देखने वाले हैं कैंपिंग, स्नोफॉल, पैराग्लाइडिंग, कृति सेमन, और एट द एंड में आपको बताने वाला हूँ कि हमारा इस पूरी ट्रिप में कितना खर्चा हुआ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अब तक हमें मनाली में 2 दिन हो चुके थे और हमने अब तक बर्फ नहीं देखी। हालांकि टेम्परेचर रोज माइनस में जा रहा था, पर स्नोफॉल नहीं हो रही थी। जल्दी चलो, मौसम सही में खराब हो रहा है। तो स्नोफॉल देखने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं अटल टनल, पर उससे पहले थोड़ा बहुत ठूस लेते हैं। तो यहाँ का लोकल डिश है सिद्धू। हाँ, सिद्धू ऐसा इडली जैसा होता है, उसके अंदर किसी चीज़ की स्टफिंग होती है। सो इट वॉज सो सो, आई गेस मैंने शायद बेकार जगह से खाया, पर अ सॉलिड 6 out of 10। हाँ, फिर हमने अर्नब के रिकमेंडेशन से खाया थुपका। सो इट वॉज प्रेटी गुड, इट वॉज 8.5 out of 10। So now meet the nicest person we have met during our trip. Meet सुंदर भैया। तो सुंदर भैया ही हमें आसपास की सारी जगह घुमाते हैं। तो आज हमें सुंदर भैया लेके जाने वाले हैं अटल टनल, क्योंकि वहाँ पे बर्फ। तो हम लोग फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और थोड़ा सा दूर चलते हैं। भैया तो बर्फ मिल जाएगी ना? हाँ, बर्फ तो मिल जाएगी। बस ज़्यादा तो नहीं हो सकती, लेकिन मिल जाएगी। तभी सुंदर भैया रिकमेंड करते हैं कि हमें स्नो सूट और बूट्स ले लेने चाहिए, क्योंकि स्नोफॉल में कपड़े गीले हो जाएंगे और फिर हमें ठंड लगेगी, तो हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बारिश ही है, स्नोफॉल। तो यहाँ अराउंड 100 rupees पर हेड के हिसाब से सूट मिल जाते हैं, तो हम वो लेते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और चल देते हैं। तो जैसे जैसे हम अटल टनल के पास आते जा रहे थे, तभी रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई, या फिर हमें लगा बारिश स्टार्ट हो गई। क्योंकि हम तीनों के तीनों लोग पहली बार स्नो देख रहे थे, तो वन चेक टू आवर बकेट लिस्ट। तो ये है अटल टनल, एशियाज लॉन्गेस्ट टनल। तो ये लगभग 9 किलोमीटर का है और इसमें आप बीच में रुक नहीं सकते, क्योंकि हमें पीछे स्नो दिख रही थी और यहाँ पे स्नो नहीं थी, तो वी वर काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। बट ये 9 किलोमीटर वॉज वर्थ इट, क्योंकि जैसे ही हम अटल टनल से एग्जिट लेते हैं, हेलो गाइस, हम आ गए हैं मनाली, हमें दिखता है ये भी। और भाई साहब, जो हम पागल हुए हैं बर्फ को देख के। Ha ha ha!
हम अपनी खुशी और अपने सुन्न हाथ लेकर वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर हम वापस से अटल टनल क्रॉस करते हैं और थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। और यहाँ पे मैंने आज तक की अपनी बेस्ट फोटोग्राफ क्लिक करी है, जो कि है ये। अगली सुबह, तो आज हमारा लास्ट डे है इस होटल का, तो सारे लोग पैकिंग वगैरह करते हैं। यादें छूट रही हैं, ले चल। ओहो, तो आज हम लोग जाने वाले हैं सोलांग, फिर उसके बाद में कसौल, जहाँ पे हमारी कैंपिंग है। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। तो हम पहुँचते हैं सोलांग वैली, जहाँ पे हम लोग ऐसे ही चले जा रहे थे और हमें रास्ते में कोड बाइक पे दिखती है कृति सेनन, छोटी सी है यार। अरे तो बेसिकली वहाँ पे एक शूट हो रहा था एक वेब सीरीज का, जिसका नाम है दो पत्ती। तो वहाँ पे कृति सेनन और काजोल मैन थी। एक और टिक मार्क टू द बकेट लिस्ट। तो सोलांग वैली में हमारे कुछ दोस्तों का पैराग्लाइडिंग का मन हो गया, पर सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग की हाइट काफ़ी लो है, तो सुंदर भैया हमें एक दूसरी जगह ले जाते हैं। तो हम लोग वापस गाड़ी में बैठ के कसौल की तरफ निकलने लग जाते हैं और मेरी आँख खुलती है यहाँ, और यहाँ पे होती है पैराग्लाइडिंग। वीडियो का सर आप अपने फोन से करोगे तो फ्री हो जाएगा, और पहले तो बस GoPro रहता है, अपना पर्सनल कैमरा रहता है, उससे बनाएगा फिर आपको दिखाएगा लैंडिंग में। वीडियो देखना अच्छा लगेगा तो आप बाइक पर जरूर आप जाएंगे। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया, सुंदर भैया ने पैराग्लाइडिंग के लिए गाड़ी रोक दी और ऊंचा ही वो प्राइस देख के मेरा और कल्पेश का तो गला सूख गया। बोल रहे तो यहाँ पे 3000 पर हेड के हिसाब से पैराग्लाइडिंग छोटा सा देख रहा है। आपको वीडियो बनवानी है तो 500 रुपये और, सो 3500 में पैराग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग होती है यहाँ पे 1000 feet की ऊंचाई से, तो ऑब्वियसली मैंने और कल्पेश ने मना कर दिया, हम नहीं जाते भाई। तो इन लोगों ने तो अपने मौत का फरमान पे सिग्नेचर कर दिया था। और अपनी आखिरी इच्छा भी सुना दी। देखा था कि मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हूँ, तो आज मौका है अपने सपनों को पूरा कर लूँ मैं, सो मैं जा रही हूँ। तो हमने सोचा हम तब तक पत्ते खेल लेते, पर वो वीडियो में खराब लगता, फिर हमने सोचा हम क्रिकेट खेलेंगे। तो यही बात हम डिस्कस कर रहे होते हैं, बट सुंदर भैया हैज अनदर प्लान्स। तो सुंदर भैया ने कहा कि आप लोग इनके साथ ऊपर गाड़ी में चले जाइए और गाड़ी से वापस आ जाइए। आगे भाई पैराशूट आ गया तुम्हारे। ये सिमरन जा रही है अपनी जिंदगी जीने। आखिरी, और अगर हमें पता होता कि लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं तो हम भी अपनी आखिरी इच्छा तो रिकॉर्ड करके ही आते। तो जैसे तैसे और मौत को अपनी आंखों के सामने 5 बार मरते हुए देख के हम लोग ऊपर पहुंचते हैं, पर हमें नीचे भी आना था, ये लोग तो उड़ के नीचे आ जाएंगे। तो मैं और कल्पेश गाड़ी में इतने क्लोज कॉल देखते देखते नीचे जा रहे हैं कि हमने अपनी मौत 5 बार देख ली है और ये लोग आराम से उड़ते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग अपने आप को हर मोड़ पे मरते हुए महसूस कर रहे हैं और ये लोग आराम से उड़ते हुए आ रहे हैं। तो हमारे रिव्यूज तो आपको पता है, अब इनसे इनके रिव्यूज सुनो। बहुत मजा, सक्सेस, मिशन कंप्लीट, मजा आ गया, वादियों से टकरा गया है पूरा पूरा। आधे घंटे पहले आ गए, एक्टिंग कर रहे हैं। हमारा ज्यादा थ्रिलिंग और पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस था इनसे, क्योंकि हमारे पास पैराशूट नहीं था, इनके पास पैराशूट था, ये बच सकते थे। तो हम लोग वापस निकल जाते हैं कसौल के लिए। तो मेरे को रास्ते में ये नदी दिखती है, तो मैं ऐसे ही कैमरा से शूट कर रहा होता हूँ, तभी सुंदर भाई गाड़ी रोक के बोलते हैं कि अच्छे से ही शूट कर लो। हम भी लोग कूद जाते हैं और वही करते हैं जो हर टूरिस्ट करता है, बाहर से खेलते हैं फोटोज क्लिक कराते हैं। आ गया।
और यहाँ पे मस्ती करने के बाद हम पहुँच जाते हैं मणिकरण गुरुद्वारा। यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स देखते हैं और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं हमारे कैंप पर। तो सुंदर भैया और हमारा साथ यहीं तक था। तो हम अपना सामान खुद उठाते हैं और ये ब्रिज पार करके पहुंचते हैं हम हमारे कैंप पर। तो ये है हमारा कैंप। सो एट द एंड हमारी ये ट्रिप ख़त्म होती है। बुरा तो लग रहा था लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि मैं अपने साथ यादों का एक बड़ा सा सूटकेस लेके जा रहा हूँ जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। वो दिन वो रात इतनी सारी ढेर सारी मस्ती। पर कोई नहीं, एट द एंड ये ट्रिप ख़त्म होती है। और सो टोटल कॉस्ट जो हमारी आई है लंच हटा के, ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूडेड होटल ड्राइवर कार कैंप सब मिला के, पर पर्सन 6,800। न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे थोड़ा बहुत हाइक मिल सकता है आपको प्राइसेस। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। तो जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर अगले साल। तब तक राधे राधे। फर्स्ट पार्ट और एक और वीडियो यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, देख लेना जिनको भी देख।